हेलो एवरीवन, आज दिनांक 18 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो आपकी पुलिस की भर्ती होने जा रही है उसके लिए सिलेबस आउट कर दिया गया है। सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल क्लास 3 एचपी पुलिस डिपार्टमेंट, दिस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन हैविंग 90 मार्क्स। द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सेल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स, टॉपिक आपको बताए गए हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से आपने अपनी तैयारी फिर करनी है। 2 घंटे का पेपर रहेगा और 90 मार्क्स का है। सबसे पहले इंग्लिश के टॉपिक दिए गए हैं, ये इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की रहेगी और 10th स्टैंडर्ड जो है वो रहेगी। इसमें रहेंगे टॉपिक टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल एंड डिटरमिन्स पार्ट ऑफ स्पीच। तो बाकी इन्होंने पूरा बताया हुआ है। तो ये टॉपिक आपने अपने तैयार करने हैं इंग्लिश के। नेक्स्ट रहेगी हिंदी, ये भी 10th स्टैंडर्ड की रहेगी और 20 मार्क्स की रहेगी, जिसमें टॉपिक रहेंगे स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो हिंदी के रहेंगे और मैक्सिमम टॉपिक आपने इनमें से पढ़े भी होते हैं। तो सारा इन्होंने सिलेबस आउट कर दिया है जो जो इन्होंने पेपर में पूछना है। नेक्स्ट रहेगा मैथमेटिक्स, वो भी 20 मार्क्स का रहेगा और मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहेगा। जिसके टॉपिक भी यहाँ पे बताए गए हैं, रैशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हो गया, मेंशुरेशंस हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल्स, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं आपने ज़रूर तैयार करने हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो पेपर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो दिए गए हैं वो रहेंगे रीजनिंग के, रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की, ये आपने याद रखना है। तो इसमें रहेंगे टॉपिक विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज और ब्लड रिलेशन। तो ये टॉपिक आपने रीजनिंग के तैयार करने हैं। 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस पार्ट जो कि रहेगा 20 मार्क्स का। तो इसमें भी इन्होंने टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं कि कौन कौन से रहेंगे, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक एंड ऑथर्स, साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कंट्रीज एंड कैपिटल, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, करंट एंड प्रीवियस ईयर। साथ में इन्होंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेज रहेंगे, एब्रीवेशन रहेगी, इम्पोर्टेंट जो आपके पास अवार्ड एंड ऑनर्स रहते हैं वो रहेंगे, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बताया है इन्होंने जनरल अवेयरनेस में। तो ये था टोटल सिलेबस जो कि पुलिस के लिए बताया गया है। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट में रहेगा इंग्लिश 20 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, यहाँ तक हो गए 60 मार्क्स हो गए टोटल। नेक्स्ट रहेगी रीजनिंग 10 मार्क्स की, 70, और जनरल अवेयरनेस पार्ट रहेगा 20 मार्क्स का, 70, 20, 90 मार्क्स। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब जो है ये सिलेबस आ चुका है, जो भी आपने तैयारी करनी होगी तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अब आपने तैयारी कर लेनी है। इन इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये सिलेबस जो है वो HPSSC द्वारा ही आउट किया गया है। इन्होंने पूरा बता दिया है कि यहाँ यहाँ से जो है इन इन टॉपिक से आपको डाला जाएगा एग्ज़ाम। तो फिर से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप जो है अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हो।
तो आधी तैयारी तो आपकी पहले से ही होगी, आधी ही आपने करनी है क्योंकि बहुत से टॉपिक्स आपने पहले से कवर किए होते हैं। थैंक यू।